7 फरवरी की ईश्वर वरदाना आप सबको स्वागत है। परमपिता परमात्मा आज हमें बता रहे हैं कि हमारा जो ये पार्ट है ना इस दुनिया में, इस दुनिया का जो हमारा जो रोल है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही उत्तम है। लेकिन उसको उत्तम बनाने के लिए कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ती हैं, और वो चीजें जब हमें याद आ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टर, हमारा बात करने का तरीका, हर चीज हमारा परिवर्तन हो जाता है। आज देखिए परमात्मा हमें क्या सिखा रहे हैं और हमारा हीरो पार्ट कैसे बने, विलन वाला नहीं, हीरो पार्ट कैसे बने ताकि हम विलेन वाला पार्ट को छोड़ हीरो बन जाएं। अभी कोई मूवी के हीरो के बात की नहीं है, ये पूरी दुनिया की जो मूवी चल रही है उसमें आप हीरो कैसे बने उसकी बात हो रही है। तो परमात्मा हमें बोलते हैं कि श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा, कि एक बहुत ही श्रेष्ठ जीवन मिला हमें, विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। ये पूरी स्टेज जो है बहुत विशाल है, वहां पर जो एक्टर की स्टेज होती है बनावटी होती है, बनाते हैं, एक्टिंग करते हैं, सामने तोड़ फोड़ करके छोड़ देते हैं। होता तो वैसे यहाँ पे भी तोड़फोड़ है स्टेज का, लेकिन थोड़े समय की बात होता है। तो ये एक पूरा स्टेज है धरती जिस पे आज हमारी एक्टिंग हो रही है, ये भी तोड़फोड़ होगी इसकी। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि इस पे तुम्हें पार्ट कैसे बजाना है, तुम्हें अपनी रोल कैसे अदा करना है। तो ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही, जैसे हमने 7 डेज का 1 आवर अ डे कोर्स किया, वैसे हमें क्या मिला, ब्रह्म ज्ञान मिला। तो ब्रह्मा बाप के द्वारा ने आप बच्चों को दिव्य जन्म, उन्होंने हमें मुख के द्वारा जो ज्ञान दिया, दैट इज नोन एज डिवाइन जन्म, पेट के द्वारा नहीं। पवित्र भव योगी भव का वरदान दिया कि तुम अपना जीवन पवित्र बनाओ और तभी जाकर के तुम योगी बन पाओगे। पवित्रता में ब्रह्मचर्य भी आता है, पवित्रता में सोच हमारी पवित्र होनी और पवित्रता में हमारा खान पान पवित्र होना, ये 3 चीजें अगर आपकी हैं, ये 3 चीजों के अगर आपने इसको आपने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है तो आप योग कर सकते हो। इसको भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि काम क्रोध लोमो अहंकार जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक तुम योग नहीं कर सकते। और इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि जब तक तुम योग नहीं करते तब तक तुम्हारे अंदर का काम क्रोध लोमो अहंकार छूटेगा नहीं। तो ये एक चक्र है। तो परमात्मा कहते हैं कि जिनमें जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में ब्रह्म माँ, तो इसलिए कहते हैं मात पिता, मात हुई ब्रह्म माँ और पिता हुए परमात्मा पिता, और उन्होंने ब्रह्मा के द्वारा जब ये ज्ञान दिया, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा जब ये ज्ञान दिया तो ऑटोमेटिकली उन्होंने अडॉप्ट किया, तो ब्रह्मा जो होगी वो माँ होगी और उनके द्वारा हमें पालना मिल रही है अभी भी। तो जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की। तो अभी भी देखा है ब्रह्मा कुमारी, मतलब ब्रह्मा की कुमारी कहा जाता है, और हमें ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे हमें अभी भी पालना मिलती है, हमें वहां पे जाके विद्या मिलती है, वहां पे जाके हमें भोग मिलता है, जो भी मिलता है वो सब कुछ ब्रह्मा माँ के कारण से मिलता है, कि उन्होंने जो मेहनत करी माँ ने उसके कारण, ब्रह्मा ने जो मेहनत करी उसके कारण आज ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमारी का माउंट आबू में हेडक्वार्टर्स है, वो उनकी मेहनत से हुआ है। तो हमारी जब वो माँ हो गई तो हमारी पालना भी वही होती है, वहीं से होती है हमारी पालना, सेंटर से होती है हमारी पालना। फिर परमात्मा कहते हैं जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की, सदा खुशियों के झूले में झुलाया, संपूर्ण मूरत ज्ञान मूरत सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। आप जो मुरली सुनते हैं वो हर रोज क्या है, आपके मुरली आपके लोरी है। तो एक बच्चों को भी क्या सुनाते हैं, लोरी सुनाते हैं। तो ब्रह्मा माँ ने हमें लोरी सुनाई, जैसे कि हमें ज्ञान मूरत बनाया, हमें सर्वगुण उन्होंने बनाया और साथ ही साथ हमें खुशियों के झूले में झुलाए और आज भी झुला रहे हैं ताकि हमारी खुशी कहीं गुम ना हो जाए। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के कुमार और ब्रह्मा की कुमारियां हैं। ऐसे माता पिता के, माता हुई ब्रह्मा, पिता हुए परमात्मा पिता शिव बाबा। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट, हीरो पार्ट बजाओ, कि मैं किसका बच्चा हूं, मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे कोई लौकिक में होता है कि मैं एक फलाने बिजनेसमैन का बच्चा हूं, मैं फलाने मिनिस्टर का बच्चा हूं, मैं फलाने चेयरमैन का बच्चा हूं, मैं फलाने बहुत ही अमीर इंसान का बच्चा हूं, मैं फलाने डॉक्टर का बच्चा हूं। तो इंसान के अंदर उस समय उस बच्चे के अंदर क्या आता है, उसके अंदर उस तरीके का उसका हाव भाव आता है कि वो उस तरीके से बिहेव करता है, रॉयल तरीके से बिहेव करता है। उसी तरीके से अगर आपको हर दिन यात्रा में किसका बच्चा हूं तो आपकी रावण जैसी एक्टिंग नहीं होगी, आपकी परमात्मा रामा परमात्मा की जैसी एक्टिंग होगी, मतलब उनके गुणों के अनुसार आप एक्ट करोगे। यही स्मृति दिलाना चाहते हैं परमात्मा। और हम बच्चे किसके हैं, हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये चीज भी अगर पूरे दिन स्मृति में रहे तो इसको भी हम योग कहते हैं, इसको भी हम मेडिटेशन कहते हैं, कि मैं किसका बच्चा हूं और मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है मेडिटेशन करने का, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 7 दिन का कोर्स करना भी बहुत जरूरी है अगर आपने किया है।
आइए ब्रह्म कुमारीज में 7 दिन का 1 घंटे का समय निकाल करके कोर्स भी करिए।